सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप वर्ब वाला वीडियो देखे हों, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई वर्क हो रहा है या फिर कोई स्टेट हो। यानी कि अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन और स्टेट। तो स्टेट इसमें मेन डेफिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो जब भी हमें पता चले कोई भी वर्क हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि वो वर्ब है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लड़का है, ये इस समय खड़ा है, तो ये इसकी क्या है? स्टेट है। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या होता है? देखिए, जो वर्ब क्या मैंने बोला, जो वर्ब चेंज हो जाते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना? अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ फाइनाइट वर्ब की, तो जैसे मैं कहता हूँ कि दे गो टू मार्केट। मान लीजिए कि दे गो टू मार्केट है, ठीक है ना? तो इसमें यहाँ पे गो को आप सिर्फ ध्यान से देखिए, यहाँ पे गो तो गो ही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और सेंटेंस लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं सेंटेंस ले रहा हूँ ही गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ पे अकेला आया तो ये क्या हो गया? ये हो गया गोज़। तो यहाँ पे जो गो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जा रहा है, और गो ही क्या है? वर्ब है। तो जब भी कोई भी वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो उम्मीद अब आप लोगों को फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि बॉय राइट अ लेटर, ठीक है ना? तो बॉय जो है वो राइट करता है, वो एक लेटर राइट करता है, राइट्स अ लेटर। तो जो बच्चा है वो एक लेटर यहाँ पे राइट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसे लिख दूँ स्टूडेंट्स राइट अ लेटर, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ढेर सारे बच्चे हो गए। तो जो राइट है वो चेंज हो गया। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अब आप लोग पूछोगे या फिर आप लोग के दिमाग में आएगा कि तो दुनिया में ऐसा कोई वर्ब नहीं है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो। पर ऐसा नहीं है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगा। ऐसे भी वर्ब होते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं आप लोग पहले हिंदी में समझाता हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ कि घोड़ा तेज़ दौड़ता है, ठीक है ना? और मैं इसके बजाय और क्या कह सकता हूँ? घोड़े तेज़ दौड़ते हैं। घोड़ा तेज़ दौड़ता है और घोड़े तेज़ दौड़ते हैं। तो इसमें जो तेज़ आया है ये दोनों बदल रहा है, नहीं ना? और भी इसी तरह के मैं आप लोग कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं फिर से फाइनाइट वर्ब की तरफ। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है बच्चों? इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, वरना आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना? तो नोट कीजिएगा ताकि आप लोग इसे अच्छे से अच्छे रिवाइज़ कर सकें, और दोबारा इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? तो मैं बता रहा था फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या होता है? वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। यानी कि जो भी वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना? जो वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। और इसी के साथ साथ इसी का उल्टा भी हो जाता है कि जो वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जैसा कि अभी हमने देखा क्या? फाइनाइट वर्ब। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? अब हम लोग देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है उसमें क्या होता है कि जब भी कंडीशन के अकॉर्डिंग
कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो जाता है हमारा वर्ब तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एज ईजी एज दैट, बहुत ही ज़्यादा आसान है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का भी मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे देता हूँ। और हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन सभी बातों को नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे या फिर आप लोग इसे रिवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड के बारे में। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप होते हैं, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप होते हैं, जिसमें से पहला आ जाता है इन्फिनिटिव्स, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो देखिए, जब टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा ना। टू क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो एकदम स्टार्टिंग होता है, उम्मीद आप लोग को पता होगा। तो जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है ना, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर इन्फिनिटिव होता है। जैसे कि टू डू हो गया, या फिर टू स्पीच हो गया। तो ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ, हाँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि बॉयज़ लाइक टू प्ले, यानी कि जो लड़के हैं वो खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो टू आया है, टू जो टू आया है ना, टू प्ले, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप लोग अपने मन से सोचिएगा और अपने आप को ही बताइएगा कि आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया है कि नहीं। मैं आप लोग सामने एक सेंटेंस देता हूँ, ही गोज टू स्कूल। अब आप लोगों को बताना है इसमें कि इसमें इन्फिनिटिव कहाँ है, और आप लोग अपने मन में थोड़ा कुछ समय तक सोच लीजिए। तो उम्मीद आप लोग अभी तक सोच चुके होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं है, ठीक है ना। ये काफ़ी मज़ेदार था, यहाँ पे इन्फिनिटिव है ही नहीं, क्योंकि मैं बोला था कि टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टू प्लस में नाउन था ना, तो ये इन्फिनिटिव नहीं होगा। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, इस बात का बहुत ही ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैं आप लोग एग्जांपल देता हूँ कि ही डू नॉट फियर, ही डू नॉट फियर टू डाई, यानी कि वो मरने से डरता नहीं है। अब आप लोग बताइए कि इसमें इन्फिनिटिव कहाँ है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें इन्फिनिटिव है, वो है टू डाई। क्यों? क्योंकि डाई जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डाई एक वर्ब है। तो आप लोगों को वर्ब का विशेष ध्यान देना है इन्फिनिटिव फाइंड करते हुए। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फिनिटिव समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और जो इन्फिनिटिव है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वर्ब का काइंड होता है। और वर्ब किसे कहते हैं, द वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन और स्टेट। स्टेट इसमें लगाना ना भूलें। तो जो पार्टिसिपल होता है ये क्या होता है कि इसके बाद जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट के काइंड, नॉन फाइनाइट के काइंड में जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है हमारा पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो जो ये पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल भी एकदम उसी की तरह होता है, यानी कि ये भी नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। पार्टिसिपल भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसमें अंतर क्या होता है कि ये इसमें अक्सर आईएनजी लगा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि, लेकिन ध्यान रहे आईएनजी लगना जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसका मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिख लीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, प्लस में आईएनजी हो, और उसके जस्ट बगल में, उसके बेसाइड में क्या होना चाहिए, नाउन। अगल बगल कहीं में भी नाउन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर ये आ जाए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं नाउन को, ठीक है ना। तो जो पार्टिसिपल होता है उसमें आईएनजी लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बगल में भी क्या होता है, नाउन होता है।
होता है तो इस बात को भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके तीसरे कारण के बारे में जो कि है जीरंड। अभी मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब इन दोनों का एग्जांपल जब मैं आप लोगों को मिक्स करके दूंगा तब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं अभी एग्जांपल दे दिया पार्टिसिपल का तो आप लोग अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं जीरंड के बारे में। जीरंड में भी आईएनजी होता है लेकिन इसके आसपास कोई भी नाउन नहीं होता, यानी कि जीरंड जो होता है इसके आसपास कोई भी नाउन नहीं होता है। जी हाँ, तो बात करते हैं पार्टिसिपल वर्सेस अब हम लोग बात करेंगे जीरंड के बारे में, ठीक है ना। तो जो पार्टिसिपल होता है इसके बगल में क्या होता है, नाउन होता है, इसके बगल में नाउन नहीं होता है। और जो पार्टिसिपल होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगता है और इसमें भी सेम चीज़ लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं इसे और भी ज़्यादा डीप में। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ रीडिंग इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो क्या है, अच्छी आदत है। रीडिंग इज गुड हैबिट, तो जो रीडिंग इज गुड हैबिट है तो इसे आप लोग एक बार सोचिए ये क्या हो क्या सकता है। ये हैबिट की स्पेलिंग मान लीजिए, आप लोग अपने से मैनेज कर लीजिएगा। तो सोच लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग सोच लिए होंगे वीडियो पॉज करके। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग के बाद कोई भी नाउन आ रहा है ना, नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा है नाउन, कोई भी नाउन नहीं है, ये क्या है, ये तो है हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या हुआ, अगर इसके बगल में नाउन नहीं आ रहा है तो ये क्या हुआ, जल्दी से बोलिए, ये हुआ जीरंड। जीरंड के बगल में क्या आता है, नाउन नहीं आता है, ठीक है ना। जिसके बगल में नाउन ना आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरंड। और एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए, रुकिए अभी मैं सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आई एम गोइंग टू योर हाउस नाउन नाउ, ठीक है ना। तो इस समय आई एम गोइंग टू योर हाउस नाउ, तो यहाँ पे जो योर हाउस है वो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू योर हाउस, इसे आप लोग लिख लीजिए, मेरे बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिए लिख लीजिए, आई एम गोइंग टू योर हाउस नाउ, यानी कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। और इसमें जो योर हाउस है वो क्या है, वही तो नाउन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उम्मीद अब आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा, ये नाउन था इसीलिए क्या हुआ, पार्टिसिपल। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, जो आपका फ़ायदा करा रहा है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है उसके लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वैसे ही मत जाइएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।